कैसे पता करें कि हमारा महीने में कितना बिल आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कैसे पता करें कि हमारा महीने में कितना बिल आ रहा है, क्या हमारा महीने में ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, या ज्यादा आ रहा है तो उसको करेक्शन कैसे कर सकते हैं घर बैठे। ये सारी प्रक्रिया जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा देखें। तो दोस्तों, जो लोग भी विद्युत उपभोक्ता है, चाहे निजी नलकूप वाले हों चाहे वो घरेलू कनेक्शन वाले, पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के निवासियों की। क्या करेंगे, जब भी हम बिल को चेक करते हैं तो एम पावर पर ही चेक करते हैं। एम पावर, जैसे ही एम पावर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर https://upcl.mpower.in ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है। हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर अकाउंट संख्या हमें चेक करने के लिए कि हमारा अमाउंट कितना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पर घरेलू हो या मैंने बताया कि निजी नलकूप का, ट्यूबवेल का भी बिल आप बड़ी आसानी से सारी चीजें प्रक्रियाएं कर पाएंगे। जो घरेलू बिल में कर सकते हैं वो निजी नलकूप में भी कर। हालांकि हम बिल करेक्शन के बारे में आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब आप कमेंट करेंगे कि करेक्शन कैसे करना है तो हम उस बारे में भी आपको बहुत अच्छे से जानकारी कलेक्ट करवाएंगे। यहाँ हमें अकाउंट संख्या और कैप्चा भर के लॉगिन करना होगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि हमारा बिल दक्षिणांचल हो, पूर्वांचल हो, मध्यांचल हो, किसी का भी आप अकाउंट संख्या एंटर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट बिल समरी है, यहाँ पर अकाउंट संख्या और नाम आ जाता है। तो अमाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,269 रुपए। अब हमें ये पता करना है कि महीने में हमारा कितना आ रहा है। ये जानने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वी विल प्रिंट, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे कि अपना आपका जो निजी नलकूप का चार्ज है या आपका घरेलू कनेक्शन भी हो सकता है उसका चार्ज कितना आ रहा है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर जैसे ही आप सबसे ऊपर आएंगे यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर फिक्स्ड जो चार्ज है वो 1870 ये निजी नलकूप का है। ये घरेलू कनेक्शन में भी आपको यहाँ पर शो होगा जो फिक्स चार्ज है यहाँ पर 1870 रुपए है। ये निजी नलकूप का है, मैंने पहले भी बताया, ये घरेलू कनेक्शन का भी आप चेक कर पाएंगे। जो फिक्स चार्ज है वो हमारा मंथली आ रहा है एक महीने में 1870 रुपए। लेकिन दोस्तों आप नीचे आएंगे यहाँ पर आप देखेंगे वर्तमान विलंब अभिभार शुल्क लगा हुआ है 426। ये दोस्तों 426 रुपए हर मंथ इंक्लूड होता है। आप देख सकते हैं 2296 रुपए जो वर्तमान देय राशि होती है, यहीं पर आपका मंथली यहाँ पर शो होता है कि मंथली कितना हमें लग रहा है। मंथली जो हमारा लग रहा है 996 रुपए निजी नलकूप में। अब दोस्तों ये 1870 है, ये 426 किस चीज का है, देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर महीने जो हमारा 426 रुपए भी इंक्लूड हो रहा है 1870 में, 2296 रुपए बन रहा है। अब ये हमारा 2296 रुपए लग रहा है और गवर्नमेंट से इसमें सब्सिडी भी दी जाती है 935 रुपए। इसमें सब्सिडी दी जाती है 935 रुपए, आप माइनस करेंगे तो 1361 रुपए आपका मंथली यहाँ पर निजी नलकूप का लग रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारा कनेक्शन है वो 11 HP का है, 11 HP में हमारा यहाँ पर 1300 मैंने बताया 20 रुपए प्रति महीने चार्ज लगता है। ये चार्ज बचने के लिए आप मंथली पेमेंट करें तो ये आपको चार्ज बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 1870 है, अगर आप 1870 में ये कि हमारे लिए बहुत ही बेहतर है, मतलब गवर्नमेंट ने आधा कर दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि हम जो निजी नलकूप है उनकी पूर्ण रूप से फ्री कर देंगे, लेकिन फ्री तो नहीं किया गया, यहाँ पर आधा बिल जरूर कर दिया गया है। हर महीने इतना ही बिल आएगा 935। लेकिन आप दोस्तों अगर महीने पे चार्ज नहीं देते हैं तो 426 रुपए आपका इंक्लूड होगा, जो कि आपका काफी चार्ज बढ़ जाता है। ये चार्जेस से बचने के लिए आप मंथली पेमेंट करें। आई होप ये जानकारी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगी बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो चार्ज लगता था 1870 रुपए, लेकिन गवर्नमेंट ने रूल चेंज किए तो यहाँ पर रूल चेंज हो चुके हैं। गवर्नमेंट जब से बन चुकी है यहाँ पर 935 रुपए ही आपका लग रहा है, लेकिन यहाँ पर 426 रुपए मैंने बताया विलम्ब भार हर महीने जुड़ता है, इससे बचने के लिए आपको मंथली पे होगा। ये बिल गलत छपा हुआ है या गलत आया हुआ है, क्योंकि दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि 426 रुपए मेरे केस में यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है मैं उसका रीजन बता देता हूँ। मंथली जुड़ रहा है, अविलंब भार ये गलत आ रहा है। अब क्यों आ रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका जो चार्जेस है मैंने बताया कि फिक्स रखा गया है, ये चार्ज अब क्यों आ रहा है। जो कई ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो नए कनेक्शन लेते हैं विद्युत कनेक्शन निजी नलकूप का, और एक एक दो दो साल तक आपका कनेक्शन या आपके पास अकाउंट संख्या नहीं होती तो आप बिल भी पेमेंट नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति में बचने के लिए आप इसका करेक्शन भी करवा सकते हैं। इसका करेक्शन कैसे होगा, आपको पेमेंट नहीं करना है, ध्यान रखना है। अगर आपका जो रसीद है आपको अकाउंट संख्या लेट मिली हुई है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको निजी नलकूप कराते हैं तो समथिंग एक महीने बाद ही आपका जो कनेक्शन है वो चालू होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब जब आपका ट्रांसफार्मर जनरेट हो जाता है उसके एक महीने बाद ही यहाँ पर बिल लागू किया जाता है। लेकिन आप इस स्थिति में आपको पता नहीं रहता है कि आपकी अकाउंट संख्या क्या है। जब आपको अकाउंट संख्या प्राप्त हो जाती है तभी आपका यहाँ पर बिल शुरू होगा। तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास अकाउंट संख्या नहीं है तो इस स्थिति में आप बिल का संशोधन कराते हैं। अब बिल का संशोधन कैसे करना है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि बिल का संशोधन कैसे होना है और कैसे देखना
रखना है, कैसे इसका जो है करेक्शन करना है, जो बिल ज्यादा आ रहा है इसका कैसे सुधार कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बिना कहीं जाए। दोस्तों अगर इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें जरूर बताइएगा। मैंने बताया कि अगर आप करेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ मिलता है अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग यू, नमस्कार।